एक कलाकार अपनी हर कृति में ईश्वर का रूप साकार करता है, पर चित्रकार अर्पिता रेड्डी ने अपनी ये कला प्रदर्शनी ईश्वर को ही समर्पित कर दी। उन्होंने भगवान विष्णु के 12 अवतारों का सुंदर चित्रण किया। पिछले दिनों बीकानेर हाउस में आयोजित उनकी कला प्रदर्शनी को भरपूर सराहना मिली। इस सृष्टि को रचने वाला ईश्वर सबसे बड़ा चित्रकार होता है, लेकिन कई कलाकार अपनी कूची से सर्वशक्तिमान की ऐसी छवि साकार करते हैं कि मन आध्यात्म और भक्ति से भर उठता है। ये अर्पिता रेड्डी है। पिछले कई सालों से तंजौर कलमकारी समेत भारत की कई चित्रकला विधाओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को रंग देती रही है। पिछले दिनों दिल्ली में उनकी चित्रकला प्रदर्शनी विश्व रूपम दर्शकों के सामने आई, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के अवतारों को अभिव्यक्त किया। साथ ही भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े कई प्रतीक चिन्हों की भी भावपूर्ण और सुंदर ढंग से व्याख्या की। इस प्रदर्शनी में ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने में ये एग्जीबिशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कला प्रदर्शनी में भगवान विष्णु के दशावतारों को चित्रित किया गया है, साथ ही भगवान गणेश का पंचमुखी चित्र भी मौजूद है। इस कला प्रदर्शनी को सुविख्यात कला विदुषी और आलोचक उमा नायर ने क्यूरेट किया था, जो मानती हैं कि हर इंसान के भीतर ईश्वर का वास है और कला ईश्वर के उसी रूप को साकार करती है। जब हमारा जन्म होता है, हम आते हैं खाली हाथ और हमें जाना है खाली हाथ, मगर जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, कहते हैं कि हमारे कर्म फूल बन जाते हैं, तो जब हमारी आत्मा ऊपर जाती है, हम अपने कर्म के फूल हम ले जाते हैं अपने साथ। ये एग्जीबिशन है उसके लिए। कहते हैं ईश्वर निर्गुण और निराकार है, लेकिन अर्पिता के सुंदर रंगों और अभिव्यक्ति ने ईश्वर का मनमोहक रूप अभिव्यक्त किया है। कण कण में ईश्वर का वास होता है। क्या पशु पक्षी, क्या पेड़ पौधे और क्या इंसान, अपनी हर कृति में ईश्वर झांकता सा नजर आता है और यही नजर आता है अर्पिता रेड्डी की इस कला प्रदर्शनी विश्वात्मा में। ईश्वर हमसे कहता है कि अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचानने की कोशिश कीजिए। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। तो अनोखा संदेश इन अनेकों कलाकृतियों के जरिए दिया। अब आइए कुछ खबरें देखते हैं आपके शहर और आपके